So teachers, students, good morning to all of you. All are Good good. Good morning. अब मुझे ये बताइए, did you get your science papers? Ma'am, yes. How many students have got full marks? Any student who has got full marks? No, because many students have confusions in case studies, है ना? उसमें marks कट गए आपके आते जाते. Right. So, how many students have got 70 above marks, 70 or 75 above marks? Raise your hands. Out of 80, 70 से ऊपर कितनों के नंबर है? Very good. जल्दी से, many students from 7th B में मुझे नजर आ रहे हैं. लंबा हाथ खड़ा करो, पूरा खड़ा करो ताकि मुझे दिखे. Very good. 7th नहीं, I'm sorry, 6th. 6th में कई बच्चों के है. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन. नाउ एवरीबडी हु वांट्स टू गेट यू नो फुल मार्क्स इन यूनिट टू, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट यूनिट टू या थ्री जो भी है दिसंबर टेस्ट में? कितने चाहते हैं कि हमारे पूरे नंबर आए? एटलीस्ट चाहते तो सारे ही है कि नहीं चाहते? हम नहीं चाहते जी, है ना? सो एवरीबडी शुड डू. Some students have not raised hand only due to their laziness. Why are you lazy? Look at that. Seedhe baitho. Seedhe baitho. Explain. Explain. And do your hands. Jaldi se. Fata fat se. Do some exercise. Yes. Very good. Seedhe. Ekdam seedhe. Aise, aise, aise. Nahin. Ekdam seedhe. Seedhe. Very good. Seedhe ekdam. Aapki elbows should not be folded. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Very good. Bring your arms slowly. Right? Again do. Again do. Yes. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 and forward and forward. Yes. Yes. 6D. Beta, thak jate ho. Thako mat. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Seedhe, seedhe. Dikh raha hai mujhe sab kuch. 6, 7, 8, 9, 10. Now here. Now here. Yes. Aise hi rakhna hum. Aage ko karke. Aage ko karke. Very good. 1, 2, 3, 4. Yes, 6C students. Again. Very good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ab is tarah se. Aise. Palm straight. Palm straight. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. And then back. And then back. Yes. थोड़ा सा आगे पीछे हो गए एकदम. बिल्कुल अपनी आर्म स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है. ऐसे 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 नहीं. डू इट लाइक दिस. सीधा सीधा. कोई बच्चा अगर आपस में टकरा रहे हैं तो आगे पीछे हो जाओ. वन स्टूडेंट फॉरवर्ड वन बैक. वेरी गुड वेरी गुड. यस. वन स्ट्रेच करना है बेटा. सिर को पुश करना है. आर्म से हैंड से आगे को पुश करना है और सिर से पीछे हैंड्स को पुश करना है. 1, 2, 3, 4, 5. यस बॉयज. नो शरारत नहीं. शरारत नहीं. 6B, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. हियर हियर. ऊपर ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Now this one. This one. Do it this and stretch like this. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Now this one. Yes. See that. Stretch karo aise. Do it like this. सीधी करो आर्म्स अपनी.
सीधी एवरीबडी, हंसना नहीं, हंसना नहीं, दिस इज नॉट ओके गर्ल. सिक्सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down. बेटा when you know अब तो आपकी प्रेयर्स जो है आपके रूम्स में हो जाते हैं. when we were kids like you had to go to the ground, ये हमारे लिए कंपलसरी होता था, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो जितनी गर्मी हो. गर्मी में बच्चों को चक्कर भी आ जाते थे, दे गेट अनकॉन्शियस, बट हमारी प्रेयर नहीं रुकती थी. एंड वी यूज टू डू दीज एक्सरसाइजेस, राइट? तो अब हम रोज 5 मिनट्स ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे. इज इट ओके? आर यू रेडी? यस. सो दैट यू शुड बी फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, मेंटली एज वेल एज फिजिकली. प्रिपरेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो नाउ टेल मी, हु विल टेल मी? यस, नाउ हमारे पास आ जाते हैं जी सुखदीप कौर 6A. सुखदीप कौर 6A. यस यस. एंड फ्रेंड ऑल्सो, अपने फ्रेंड को भी एक लेकर आओ. आ जाओ, दोनों स्टूडेंट जो इकट्ठे बैठे हैं ना, आ जाओ. ठीक है, नाउ होल्ड योर हैंड्स, होल्ड योर हैंड्स एंड स्टे हियर. टू स्टूडेंट्स आर यू नो स्टैंडिंग एट दिस प्लेस. आर यू एट रेस्ट और मोशन? टेल मी. मैम रेस्ट. आर यू एट रेस्ट? चलिए अब दोनों हाथ पकड़ के ना पीछे तक जाके आओ. वो एक पीछे बोर्ड पड़ा है ना, दोनों फोर तरफ एक स्पीड में चलना है. यस, गो गो. द टू स्टूडेंट्स, लेट मी सी, देखिए जैसे अब वहां खड़े रहना है ना. सी हियर कि ये मेरा एक फ्रेंड है ना. यहाँ पे हमने जो दो गर्ल्स को खड़ा किया है, ये मेरी एक फ्रेंड, राइट? आई एम हियर और मैंने इसका होल्ड किया है. एंड वी बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड, है ना. हम दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं. नाउ टेल मी एनी स्टूडेंट, टेल मी एम आई इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेंड? आ जाओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ दोनों. यस, अब मुझे ये बताइए कि दोनों की प्लेस जो है, देखिए इधर देखो, एवरीबडी हियर, न्यू कंसेप्ट है, इधर देखना है. पहले टेल मी कि एम आई इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू पीपल, यस और नो? बोलिए यस नो. आपके हिसाब से मैं दूर या पास जा रही हूँ, यस और नो? यस, आई एम इन मोशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यू. आपको दिख रहा है कि मैं, मेरी पोजीशन आपके हिसाब से चेंज हो रही है. अब ये दो गर्ल्स, दीज टू, है ना, दो, ये दो फ्रेंड्स, ये इकट्ठे मूव कर रही है. इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, इन दो गर्ल्स की पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रही है. आपके बैठे हुए से तो चेंज हो रही है, बट आपस में चेंज नहीं हो रही है. ये मेरी पेंसिल मेरे साथ मूव कर रही है, जहां मैं वहां ये, राइट? तो इन, इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं है. सिक्स सी स्टूडेंट्स, इधर गर्ल्स, और मेरी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है. सो द टू फ्रेंड्स मूविंग टूगेदर, आर दे इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और नॉट? नहीं. ठीक है, यही मैं समझाना चाहती हूँ. बैठो बेटा, बैठो, बोथ गर्ल्स से जाओ. सो न्यू कंसेप्ट कौन से सुनना है आप? So what you see here, that the house, the home, your home is stationary. एक जगह है, fix है, at rest. This tree stationary, at rest. This is, you know, playing football, moving here, here in motion. This insect flying in motion, the bird in motion. This you know. So what you will say that what is motion? आपको ये दिख रही है बेटा स्लाइड? कहीं लाइट तो नहीं लग रही? क्या मैं इसकी डार्कनेस इंक्रीज करूं? है ना, मुझे थोड़ी सी इसके साथ साथ मुझे अपनी फोटो भी काली लगती है, तो मैं इसलिए समटाइम्स आई डू कि भी ब्राइट हो जाए थोड़ा सा, बट नो प्रॉब्लम. इज इट क्लियर नाउ? यस. ओके, सो व्हाट यू से, write down the question,
What is motion? What is motion? बस जल्दी से किसी ने इरेजर ये वो बहुत ज्यादा नहीं यूज करो, लिखो बस, लिखने में ध्यान डालो, रफ करने में काटने में ये नहीं। What is motion? तो motion क्या है? Change of position. Change of position of an object या person या किसी की भी। In relation to another, change of position of an object in relation to another. Six D girls, back छोड़ दो बेटा इधर. Now you see here, this is a traffic controlling policeman standing here and the school bus is going. Pehle school bus yahan pe thi, fir yahan pe thi, and it is going far away from this policeman. Dhyan se samajhna hai. So according to this person, this bus is in motion. The students sitting in the bus are in motion, right? According to this policeman. But the students sitting in the bus, they do not change place. They are sitting there. They are not changing place with respect to each other, with respect to bus. जहाँ पे वो बैठे हैं वहीं बैठे हैं. बस भी वहीं है, वो भी वहीं है. दूसरा बच्चा भी वहीं पे है. उनकी पोजीशन आपस में नहीं चेंज हो रही. सो द स्टूडेंट्स दीज पीपल सिटिंग इन द बस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. विद रिस्पेक्ट टू द बस दे आर एट रेस्ट. आप कहोगे बैठे हैं, ठीक है, रेस्ट पे ही है, वो कौन सा चल रहे हैं. बट वन मोर थिंग, दीज स्टूडेंट्स आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पुलिसमैन. अगर वो पुलिसमैन को देखते हैं तो ये मोशन में है क्योंकि इनकी पोजीशन पुलिसमैन से चेंज हो रही है. बट अगर वो आपस में देखते हैं तो दे आर एट रेस्ट. इज इट ओके? समझ में आई? यस. तो हम क्या कहेंगे, बट यहां पे अगर हम एग्जाम्पल लिखें, इन ए moving car, A and B are sitting. तो अब यहां पे comparative term ध्यान से देखना है, बाद में लिखना है, पहले सुनो. बुक में नहीं है आपके ये, but because I am teaching. तो एमसीक्यू कैन कम, लिख लो एमसीक्यू क्वेश्चन अपनी कॉपी पे, लिखना जब ये लिखोगे तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. सो ए एंड बी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है रिलेशन में, विद रिस्पेक्ट ईच अदर. सेकंड है, ध्यान से सुनो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम ये जो आप लिख रहे हो ये दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई नहीं दे रहा है? लाइट ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है आपको? मैम नो मैम, जो आपने नीचे लिखे ईच अदर वो वाला दिखाई दे रहा है. अच्छा चलो मैं बोल रही हूँ, हम कोई बात नहीं, हम जो है मैं इस पे छोड़ देते हैं. हम लेट अस डू ऑन द
तो अ कार इज मूविंग, ए या हम ए एंड बी नहीं लिखते, हम लिखते हैं बोलू एंड बोलू। बोलू एंड बोलू आर सिटिंग इन कार। नो कंडीशन क्या है कि बोलू एंड बोलू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलू एंड बोलू दोनों उठे बैठे या एक ही पोजीशन पे बैठे या कोई, तो दे आर एट रेस्ट सिटिंग। बोलू एंड बोलू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार ऑल्सो। उनके हिसाब से कार भी मूव नहीं कर रही है, बिकॉज जहां कार है वहीं वो है। बट बोलू एज वेल एज कार इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज प्लांटेड ऑन विद रिस्पेक्ट टू पीपल ऑन द रोड। जो कार के बाहर है उनके हिसाब से ये मोशन भी है। बोलू एंड गोलू भी मोशन में है, कार भी मोशन में। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और साइड में से मेरी कार जा रही है जिसमें बोलू गोलू बैठी है, तो मेरे हिसाब से कार मोशन में, बोलू गोलू रेस्ट पे है, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बोलू एंड गोलूज पोजिशन इज ऑल्सो चेंजिंग, तो कार इज इन मोशन, बोलू एंड गोलू आर इन मोशन। इज इट ओके? समझ में आई आपको? यस यस और नो? राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस एवरीबडी, न्यू कंसेप्ट बट एमसीक्यू विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस कंसेप्ट, सो नोट इट। ऊपर ऊपर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। डन स्टूडेंट्स? नो कर लो कर लो कर लो।
So I hope everybody done, right? Can I move forward? No. Jaldi se karo, jaldi se. बेटा सिक्स डी होमवर्क छोड़ दो, जिसका भी होमवर्क यहाँ पे चल रहा है छोड़ दो, कॉपी बंद करो, सिर्फ एक कॉपी होनी चाहिए। टीचर्स प्लीज सी कि बच्चे कुछ और काम ना करें, बेटा फिर एग्जाम में कम नंबर रह जाएंगे, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। होमवर्क होम होम में करना है बेटा, वर्क एट होम इज होमवर्क, नॉट इन क्लास। एवरीबडी नॉट इन दिस क्लास, बाकी सब भी। चलिए जी नाउ क्या हुआ, गोलू गोलू कार से उतर गए, गोलू स्पीड रनिंग एट स्पीड ऑफ 3 kilometers per hour. It means he covers 3 kilometers in 1 hour. And Golu starts walking and covers 1 kilometer per hour. My question is, are Golu and Golu in motion with respect to each other? Second hand. Then they reached B. Golu भी पहुंच गया और Golu भी पहुंच गया। और दोनों की स्पीड Now, the same question. Are Golu and Golu are in motion with respect to each other? तीसरा है रिस्पेक्ट टू द साइक्लिस्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। पहले ये क्वेश्चन लिखो, समझो और फिर मुझे बताओ। बी में भूमिका ने बताना है और मुझे नीरज भाटिया, भूमिका एंड नीरज भाटिया पहले लिख लो, मैंने नाम बता दिए। दीज टू स्टूडेंट्स विल लेटर कम एंड टेल मी द आंसर। Thank you.
चलिए जी, क्विक सिक्स बी, भूमिका कम फॉरवर्ड, भूमिका आ जा बेटा, टेल मी, यस बोलू इज मूविंग एट दिस स्पीड, बोलू इज मूविंग एट दिस स्पीड, आर बोलू एंड बोलू इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? हाँ जी जल्दी से बताओ क्या? देखो बोलू जो है वो यहां पे पहुंच गया एंड गोलू अभी यहीं पे ही है। आर दे इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इच अदर? दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? यस, मैम दे आर, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग-अलग है, राइट? सो दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इच अदर, राइट? देन बैठो बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हमने किसको बुलाया था? नीरज। नाउ टेल मी, अब यहाँ पे दोनों की स्पीड एक जैसी है, दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। नीरज बताएगा, भूमिका यू गो टू योर सीट। नीरज टेल मी कि नाउ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड, दे कवर सेम डिस्टेंस, इकट्ठे इकट्ठे दोनों जा रहे हैं, आर दे इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? मैम दोनों, दो चीजें देखो, ये पेन और मैं इकट्ठे जा रहे हैं, दिस इज भोलू एंड बोलू, है ना? बोलू एंड दिस इज बोलू, राइट? क्या हम दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? यस और नो? नो नो। तो व्हाट डू यू थिंक? ये मुझे कह रहा है कि मैं मोशन में हूं, क्या हम दोनों मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? क्योंकि हम दोनों की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही। यस मैम नो, वी आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन में क्या, रेस्ट में है। आपके लिए हो सकता है मैं मोशन में हूं, बोलू एंड गोलू आर इन मोशन, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इज इट ओके? ठीक है, बैठो बेटा। सो हियर दे आर इन मोशन, यस, एंड हियर नो। ठीक है बेटा, आप बैठिए। देन सिक्स्थ सी में आ जाइए बेटा, सुनैना। सिक्स सी सुनैना बेटा, पहले जूम से माइक ऑन करो और अब आ जाओ। चलिए, अब हम ये पूछ रहे हैं कि एक साइक्लिस्ट, बोलू एंड बोलू दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, एक्सक्यूज है मी ना? और एक साइक्लिस्ट उनके पास से निकल गया, तो उस साइक्लिस्ट के विद रिस्पेक्ट टू, आर दे इन मोशन और दे आर इट एट रेस्ट? हेलो एक्सक्यूज मी मैम सिक्स ई से तो आवाज आ रही है। हाँ जी, एक्सक्यूज हाँ जी, मैम हाँ। मुझे समझ नहीं आया जो अभी आपने बताया है गोल एंड गोल विद रिस्पेक्ट। देखो बेटा, ये है मैं बोलू और ये बोलू, आप इधर देखो, छोड़ दो इसको, इधर ध्यान से देखो, ये दोनों मैं इसके साथ ही मूव कर रही हूँ, यस और नो? मोशन क्या है? चेंज ऑफ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। क्या इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, यस और नो? नो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है मेरे रिस्पेक्ट में? तो मैम नो हम दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रही, तो क्या हम मोशन में है कि रेस्ट में है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग? रेस्ट रेस्ट पे है, बट आपके अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? स्क्रीन पे देखो, इधर देखो स्क्रीन पे,
आपके अकॉर्डिंग मैं पीछे चली गई और मैं आगे आ गई, यस और नो? पोजीशन चेंज हो रही है आपके अकॉर्डिंग? मैम यस तो देन टेल मी, एम आई इन मोशन और एट रेस्ट? मोशन मोशन, इज इट ओके? क्लियर? मैम यस यहां पर भी समझ आएगा आपको, दो लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो उनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं है, मैम नो मैम पोजीशन चेंज तो इसलिए वो दोनों क्या हुए, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मैम रेस्ट रेस्ट पे, और एक साइक्लिस्ट उनके पास से निकल गया तेजी से, तो वो साइक्लिस्ट के अकॉर्डिंग वो मोशन में है कि रेस्ट पे है? मोशन मोश में, क्योंकि साइक्लिस्ट आगे पहुंच गया, वो अभी पीछे ही है, ठीक है? और उनके अकॉर्डिंग साइक्लिस्ट भी मोशन पे है क्योंकि वो दूर जा रहा है, यस और नो? मैम बस यही है, इज इट क्लियर नाउ? यस बैठो। हाँ जी, 6C में से मैंने बुलाया था। नाउ टेल मी, विद रिस्पेक्ट टू, ऑल्दो मैंने बता दिया आपको, बट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, आर दे इन मोशन और एट रेस्ट? मोशन में, ठीक है? ऑल्दो आपकी आवाज मुझे नहीं आई, बट आपके जेस्चर से मुझे पता चला कि भी यू आर राइट। बैठो बेटा, इज इट क्लियर? किसी को नहीं ये कंसेप्ट समझ में आया तो मुझसे बताओ। तो सिर्फ आपसे क्या पूछेंगे कि ट्रेन में आप बैठे हो तो क्या ट्रेन मोशन में है? तो हम कहेंगे नहीं, विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर्स इट इज एट रेस्ट, बिकॉज पोजीशन आपकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन चेंज नहीं हो रही, बट जो स्टेशन पे खड़े हैं लोग उनके अकॉर्डिंग ट्रेन भी मोशन में है और आप भी मोशन में है, यस और नो? क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे अब हम आ जाते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई, राइट डाउन। एक्सप्लेन व्हाई अ पैसेंजर Why a passenger sitting in a moving train might consider themselves, might consider themselves at rest while a person standing outside the train, while a person standing outside the train views them as in motion. Is anybody interested to give me the answer? Yes, raise your hands. Voluntary question है। कोई सा बच्चा? Anybody? A person sitting in a train consider himself at rest. But yes, come forward, 6F. आओ। मैम जो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पे है, जो बाहर आउटसाइड खड़े हैं उसे लग रहा है कि पैसेंजर्स हैं वो मोशन में है। भाई पोजीशन के हिसाब से बताओ मुझे, मैम क्योंकि मैम वो उनसे दूर है, मैम उन्हें उसे लग रहा है कि वो ट्रेन जा रही है आगे। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाउ विल यू राइट इन इंग्लिश? इंग्लिश में भी बिल्कुल आपने ठीक बताया, वेरी गुड। टेल मी इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एंड पैसेंजर, यस,
डज नॉट चेंज या चेंज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड पैसेंजर? टेल मी बिकॉज, यस टेल मी, बिकॉज दे ईच अदर डू नॉट विद रिस्पेक्ट. नो चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट देयर इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द आउटर पर्सन, यस और नो? नहीं, यस. सो राइट डाउन द आंसर. सो देयर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ ए पैसेंजर इन द ट्रेन रिस्पेक्ट टू ट्रेन. ट्रेन मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रही है, कोई चेंज इन पोजीशन नहीं है. बट पोजीशन ऑफ ट्रेन एंड पैसेंजर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म. रीड इट ट्वाइस. यू नो द थिंग्स बट यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस इन द एग्जाम. डब्ल्यू आर टी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, किसी के रिलेशन में. ओके जन, मे बी मूव फॉर द राइट डाउन. सम स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग क्विक. सो हेयर देयर आर थ्री पीपल, एक नहीं है थ्री पीपल है. आउट ऑफ थ्री पीपल या थ्री पर्सन्स, कैन यू जज हु इज मूविंग फास्ट? यस सिक्स ई. हाँ कौन था? सी पर्सन लग रहा है, सी इज मूविंग फास्ट. यस तो स्लो एंड फास्ट मोशन. राइट डाउन ऊपर टॉपिक लिखो, स्लो एंड फास्ट. और इसमें कंडीशन है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में हम लिविंग भी ले रहे हैं, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम. रिमेंबर दैट इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम, देन द ऑब्जेक्ट Who takes
लेस टाइम इज फास्टर देन एनदर. रेस है, रेस में इक्वल डिस्टेंस होता है, सबने वहीं पे पहुंचना है, बट जो जल्दी पहुंच गया, जिसने कम टाइम लिया वो फास्ट है. वर्क लाइक ए कंप्यूटर, जिसको पता चलेगा भी क्या गलती है. जल्दी से क्विक. वन कंडीशन इज दिस कि इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम एंड अनदर इज. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम देन द ऑब्जेक्ट हु कवर्स मोर डिस्टेंस इज फास्टर. 30 मिनट्स में बोलू ने सिर्फ 1 किलोमीटर कवर किया और बोलू ने 2 किलोमीटर्स कवर कर लिया 30 मिनट्स में. सो हु इज फास्टर? गोलू इज फास्टर, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. इफ टू ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंसेज, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंसेज, पूरा लिखना अनइक्वल है ना, अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से लिख. अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम. फटाफट से लास्ट आज हम ये करेंगे, इस पे हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे. ओके लिख लिया? प्लीज वेट. प्लीज वेट. मैंने नहीं किया कुछ बेटा, कर लो आप. ओके मूव फर्दर. वेट. इफ टू ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट हु कवर्स मोर डिस्टेंस इज फास्टर. अब 3 केसेस है, अब आपने देखना है. पहला केस है ये वाला, लिखो. केस 1, टू पीपल, ए इज बोलू एंड दिस इज गोलू. तीन केसेस है, केस 1 लिखिए. केस 1, बोलू कितना डिस्टेंस? 100 किलोमीटर. बोलू 100 किलोमीटर.
टाइम टेकन बाय भोलू 1 आवर, टाइम टेकन बाय बी गोलू इट इज 60 मिनट्स, हु इज फास्टर? जल्दी से देखो, ये तो जीके का क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। यस, 6D में से एक बच्चे का हाथ खड़ा है। यस रेज, जो फर्स्ट गर्ल है, आ जाओ पहले अपना माइक ऑन करो वहां से आगे से जाकर। माइक ऑन करो और फिर बताओ जल्दी से, क्विक देखें बाकी बाकी के भी देखो जरा जल्दी से। यस टेल मी, गोलू इज मूविंग फास्टर? ओके, एनी चेंज? यस, इन 6B 1 स्टूडेंट, यस, जो पहले बेंच पे लड़का है, जल्दी से बोलो। गोलू गोलू इज मूविंग फास्टर, एनी चेंज इन आंसर? 6E फर्स्ट गर्ल मिडल, हाँ जी मैम, नो वन इज मूविंग फास्टर Why? Very मैम, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स good, very good. What's your name? अब मैम. बिनल मुझे ये बताओ कि आपके कितने मार्क्स है साइंस में? मैम 71. Very good, very good. And now onward, you should get at least 79 marks out of 80. Is it okay? Very ओके मैम, good. She has done, बेटा. कैसे माना? Very good. क्या है 1 आवर 60 मिनट्स तो सेम ही है, इजंट इट? सो ओ था, लिखो यहाँ पे पहला केस, केस वन। सो आंसर हियर इज, ऊपर लिखना है हु इज फास्टर, क्वेश्चन है हु इज फास्टर। बातें बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं इसे जल्दी से, और देखो कितने बच्चों ने गलत आंसर दे दिया। Although, so, यहाँ पे लिखो बोथ आर मूविंग। मॉर्निंग बोलो बोलो। मैम, व्हाट हैव यू रिटन इन ऑन द टॉप ऑफ द डिस्टेंस? डिस्टेंस, ये तो मैंने नाम लिखा है, डिस्टेंस के ऊपर कुछ भी नहीं है, यहां तो मैंने नाम लिख दिया बोलू बोलू। ओके मैम, अच्छा वो ऊपर हु इज फास्टर क्वेश्चन आपका है, हु इज फास्टर? जी अब सेकंड का आंसर भी मुझे बताइए, देखो जरा जल्दी से, हु विल टेल मी? यस रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। 6F में से कोई मुझे बताएगा? 6F आ जाओ, देखिए आवाज आ रही है आपकी कि नहीं, आवाज की भी तो प्रॉब्लम है कई बार। मॉर्निंग मैम. हाँ जी बेटा, मैम इस हमारा बोलू, बस पीरियड इज स्टार्टेड. बेटा मैं खत्म ही कर रही हूँ, मुझे बोलू बोलू तो बता दो, ये इसमें बताओ कौन सर, अब तुम ही बताओ जल्दी से। बोलू मैम भोलू. ने क्या ले लिया? 45 मिनट्स और इसने 55, बिल्कुल ठीक है। यस गोल इज मूविंग फास्टर क्योंकि उसने कम टाइम लिया है बेटा, सेम ट्रैक है, 10 किलोमीटर रेस का ट्रैक है, 45 मिनट्स में उसने 55 मिनट्स में, तो बोलो इज फास्टर। जल्दी से थर्ड बताइए, हु विल टेल मी फ्रॉम 6C? 6C बेटा सम बॉयज, बेटा बॉयज में से कोई, जल्दी से लास्ट केस है, आ जाओ जल्दी से क्विक। गोलू हाँ, ऐसा नहीं करते नहीं, ही विल टेल, यस टेल मी जोर से, बोलू यहां भी बोलू, ठीक है बिकॉज़ 30 दोनों ने लिया, एक ने 20 किलोमीटर कर लिया, एक ने 30 किलोमीटर कर लिया, हुई बेटा बहुत आवाज, 1 मिनट की बात है। सो गोलू इज मूविंग फास्ट, तीनों केस लिखो, अगेन दिस क्वेश्चन कैन कम इन द सेम वे, पूरे का पूरा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। बस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिस जिसका हो गया है वो अपने सिस्टम्स ऑफ कर देना, जिसका रहता है वो लिख लो। नहीं, 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 नहीं.